सोहना सीट पर कांग्रेस की तरफ से रोहतास कटाना को टिकट दी गई है। खुद इस वक्त रोहतास कटाना साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला सवाल तो यही है, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है वो कहते थे कि हम बाहर के जो विधायक हैं दूसरी पार्टी को कम टिकट देंगे, लेकिन आपने ऐसा क्या कमाल किया, एक घंटे पहले आप पार्टी में शामिल हुए, एक घंटे में आपको टिकट मिल गई? देखो, पार्टी सब कुछ देख के चले, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि भाई यही लिकाट सके सीटें, जो CID की रिपोर्ट चल रही और मैं सर्वे में भी नंबर वन पे था, तो उन्होंने सारा हिसाब किताब देख के तब मुझको टिकट दिए। अगले सीट लिकाटनी है और आप पता ही है, चार टिकट और गुजरन में मिल चुकी, लेकिन लोग बाग बिल्कुल नहीं उठे, शांत बैठे। जिस टाइम हमारी टिकट हुई उस टाइम 1500 गाड़ी तो टोल पे खड़ी, 1500 गाड़ी यहाँ खड़ी, 100 गाड़ी नॉमिनेशन पे ही, जो जहाँ था वहीं रोक दिया। वे शहर में परेशान होंगे लोग अपना, एकदम इतना जुनून लोगों में मिला कि हद होगी। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पिछले चुनाव में भी आपने अच्छे खासे वोट लिए, 40,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले क्या अलग समीकरण आप देखते हैं? भैया, आज की तारीख में 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, जीतेंगे। मुकाबला किससे रहेगा? बीजेपी से रहेगा, निर्दलीय से रहेगा, किससे? किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ये तो चलते रहे, इलेक्शन तो सभी लड़ने का अधिकार है, लड़ो। लोगों के बीच जा रहे हैं, मुद्दे क्या क्या लोगों के बीच लेकर जाएंगे, किन किन मुद्दों के आधार पर रोहतास कटाना विधानसभा चुनाव लड़े? वे थे रहे, हम 20 साल होगी लोगों की सेवा करते, लोगों के बीच रहते थे, तब तो लोगों में जुनून मिला कि एक घंटा के अंदर 10,000 आदमी इकट्ठा होगा टिकट के नाम पे, तो ये हमारी यही तो खासियत थी। खरी खरी बात करते हैं, अगर बात करें पिछले 5 साल यहाँ से विधायक संजय सिंह थे, मंत्री भी बन गए थे, उससे पहले तेजपाल तंवर थे, पिछले 10 सालों से BJP के विधायक है, कितना विकास का काम इस इलाके में हुआ, ईमानदारी से बताना। देखो, इस 5 साल में तो मैं कहता हूँ कि 1 रुपया का काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ, और अगर किसी एक दो गांव में 2-4 रन में हुआ है तो उसमें ये देखा गया, जात पात का जो है वो लगाया गया, उस तरीका से 10-5 गांव में काम हुआ, ना तो कोई उनमें भी छोटे छोटे कोई नाली नूली बना दी, यही समझ में नहीं आया कि 5 साल में काम क्या करना था और क्या करवा नहीं पाए काम, कुछ नहीं। मंत्री 5 साल में एक CM की रैली नहीं करवा पाए तो काम कहाँ से करेंगे, जब CM ही खुश नहीं होगा। आपका क्या मानना है कि सोना में क्या कुछ बड़े काम होने चाहिए, सोना को किस चीज़ की जरूरत है? सोना को देखो, सोना साइबर सिटी से अटैच है, अब एक ही समझो, अब यहाँ से आगे जो सोना ही है, सोना में बहुत कुछ होने वाला है। देखो, बहुत जल्दी मेट्रो आ जाएगी सोना में, कॉलेज की कमी है लड़कियों के लिए, उसकी भी अपील करेंगे सरकार से, और बाकी तो देखो 5 साल में रोडन के 3-3 फुट के गड्ढे हुए पड़े सारे रोड, सबसे पहले तो ये करवाने पड़ेंगे, गाड़ी एक एक साल में गाड़ी टूट रही है, ये हालत है रोडों की BJP सरकार में। इस इलाके के लोगों के पास तो गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी रहती है, लैंड क्रूजर, रेंज रोवर, उन गाड़ियों में बुरा हाल हो जाता है सड़कों पर, सबका बुरा हाल है, तभी तो कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रही, लोग उन पर चल नहीं पा रहे सड़कों पर। आपकी टिकट मिलने के बाद जो यहाँ के कांग्रेस के नेता थे, चाहे जितेंद्र भारद्वाज की बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, उनका कितना समर्थन आपको मिल रहा है, बातचीत हुई है उनसे? हम सब एक हैं, टिकट मिलने तक हर कैंडिडेट की लड़ाई होती है अपनी अपनी, भाई मैं भी मेरा दाव लगे मेरा, वो लड़ाई अलग है। जिस टाइम टिकट क्लियर हो जाती है उस टाइम हम सब एक होते हैं, भाई किसी के थोड़ा बहुत मलाल होगा मना लेंगे, अपने मना लेंगे अगर कोई ऐसा हुआ तो। एक आखिरी सवाल है, आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक नहीं बन पाए, इस बार वो सपना पूरा हो पाएगा? और दूसरा, सरकार BJP हैट्रिक लगा पाएगी या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से आ रही है,
कोई हैट्रिक वैट्रिक का नाम नहीं है और यहाँ तो बिल्कुल ही भूल जाओ, यहाँ रोहतास कटाना चुनाव लड़ रहा है, यहाँ तो भूल जाओ बीजेपी बीजेपी कोई भी ऐसे है, बहुत भारी बहुमत से जीत लेकर आऊँगा। रोहतास किसने मेरे पे विश्वास करा उससे बढ़ के काम करूँगा और हमेशा कांग्रेस का सिपाही बनकर काम करूँगा। बिल्कुल, देखिए रोहतास कटाना साहब का ये कहना है कि पार्टी की तरफ से उन पर जो विश्वास जताया गया है उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे और यहाँ पर सोना में कांग्रेस की जीत होगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबर अब तक सोना।